माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे और इसके जितने भी हिंदी सेंटेंसेस होते हैं हम उनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। फ्रेंड्स, इस छोटी सी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, जब भी कभी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हिंदी वर्ड्स ता है, ती है, ते हैं अगर आए तो उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके साथ साथ ये जरूरी है कि सेंटेंस में एक्शन होना जरूरी है। अगर सेंटेंस में एक्शन नहीं है और सेंटेंस में ता है, ती है, ताहूँ ऐसे वर्ड्स हैं तो हम इसको इंडेफिनिट टेंस नहीं बोल सकते हैं। इट मीन्स अगर सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं एंड एक्शन भी है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सपोज मैंने बोला मेरे पास एक सेंटेंस है, कौवा काला होता है, लास्ट में क्या आ गया, ता है, ती है, तो क्या इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे? नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है, ये सेंटेंस हमारा है सिंपल का। इसमें क्या है, इज, एम, आर केवल लगने वाला है, इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं लगने वाली है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है इसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में हमें एस आर ई एस का एड करना होता है एंड जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हमें एस आर ई एस का यूज मेन वर्ब में नहीं करना होता है। अब फ्रेंड्स जान लेते हैं और हम इंडेफिनिट का यूज हम करते कब कब हैं। फ्रेंड्स, जब भी किसी सेंटेंस में रेगुलर वर्क हो, कैसा वर्क हो, रेगुलर वर्क हो, जैसे कि मेरी माँ जी रोज़ 5 बजे उठ जाती हैं, ये रेगुलर वर्क है। मेरे दादाजी रोज़ सुबह टहलने जाते हैं, ये क्या हुआ, रेगुलर वर्क है। अब बात करते हैं जब इरेगुलर वर्क भी हो। अब ये इरेगुलर वर्क क्या होता है, अनियमित वर्क। पूरे विश्व में भूकंप आता है, अब भूकंप आता है लेकिन उसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं इरेगुलर वर्क। बात करते हैं फैक्ट, जब किसी भी सेंटेंस में फैक्ट हो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। सपोज पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है, 100 डिग्री पर उबलता है, ये क्या है, फैक्ट है। आप इसको किसी भी समय बोलो, इसको रखोगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर किसी भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है तब भी उसको आप रखने वाले हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सपोज पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसको भी हम इंडेफिनिट टेंस में रखने वाले हैं। बात करते हैं लास्ट फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, जब कोई भी एक्शन पहले से ही प्री प्लान्ड हो। सपोज 3 अगस्त को प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं तो वो जाने वाला जो वर्क है वो तो पहले से फिक्स हो चुका है, तो यहाँ पे सेंटेंस तो हमारा है फ्यूचर में बट इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमें रखना होगा मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, मेन वर्ब में हमें एस आर ई एस का यूज करना होता है, सिंगुलर नंबर है तो एस आर ई एस का यूज करेंगे और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें एस आर ई एस का यूज नहीं करना होता है। इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट यूज करना होता है, फिर हम यूज करते हैं अदर वर्ड्स। अब एस आर ई एस यूज कब करते हैं ये आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। फिर बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल, कौवा काला होता है, देखो लास्ट में है ता है ती है, अब तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में ता है ती है ते आ जाए उसको कहो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बट एक्शन का होना कंपल्सरी होता है, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं इसलिए इसकी भी इंग्लिश करेंगे द क्रो इज ब्लैक Because there is no action in this sentence, okay? बात करते हैं next example की, मेरे पिताजी रोज टहलने जाते हैं, ये regular work है, टहलने जाते हैं ये क्या हुआ, regular work है, तो इसको भी करोगे इंडेफिनिट में। दूसरी बात last में क्या है, ता है, ती है, ते हैं and action क्या है, टहलना और जाना, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पिताजी रोज टहलने जाते हैं, so my father जाना की गो
इसमें मैंने ES ऐड कर दिया है जब किसी भी मेन वर्ब के लास्ट में O हो, SH हो, CH हो, SS हो, X हो, तो हम जब इसमें SRES जोड़ेंगे तो केवल हमें ES जोड़ना होता है। सो हमने यहाँ यूज किया ES, goes for a walk daily. My father सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, goes कर दिया, फॉर अ वॉक टहलने के लिए डेली। बात करते हैं नेक्स्ट, सूर्य दिन में चमकता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सूर्य दिन में चमकता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। लास्ट में ता है, ती है, इसको बनाते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में, क्योंकि यहाँ वर्क हो गया चमकना। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, सूर्य दिन में चमकता है, यहाँ पर सेंटेंस क्या है, चमकता है, लास्ट में क्या आ गया, ता है, ती है, ते हैं, और यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा, एक्शन हो रहा है चमकना, और ये सेंटेंस में निकल के आ रहा है, इसमें निकल के आ रहा है यूनिवर्सल ट्रुथ, क्योंकि जो सूर्य है वो दिन में ही चमकता है, इसलिए इसको हम चेंज करेंगे इनटू प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ओके, सो सबसे पहले हमने कर दिया द सन, और यहाँ पर चमकने को हो गई साइन, आपको यूज करना होगा एस, बिकॉज द सन इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, साइन कब चमकता है, दिन में। अब यहां दिन में करेंगे हम लोग ड्यूरिंग द डे। अब यहां मैंने ड्यूरिंग क्यों कर दिया, ड्यूरिंग इसलिए किया है दिन के दौरान, इसलिए मैंने यहां पे किया ड्यूरिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, भूकंप पूरे विश्व में आते हैं। अब यहां भूकंप पूरे विश्व में आते हैं, ये वर्क है इरेगुलर, क्योंकि भूकंप तो आता है लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, इसलिए इसको हम करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट में। सबसे पहले हमने लिखना होगा अर्थक्वेक, और यहां आने की कर देंगे हम लोग अकर ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने लिखा अर्थक्वेक्स, इट मीन्स भूकंप आते हैं, आने के यहाँ क्या कर दिया मैंने अकर, अब कहाँ पर आते हैं, पूरे विश्व में, तो यहाँ हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। अब यहाँ क्या है, फैक्ट है, और फैक्ट को भी हम चेंज करते हैं इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे क्या है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, सो सबसे पहले हमने राइट किया वाटर, वाटर मेरा यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पर उबलने की हो गई बॉयल, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए मैंने कर दिया बॉयल्स, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्रीज, 100 डिग्रीज। बात करते हैं आज के लास्ट एग्जांपल, और लास्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री 10 जून को अमेरिका जाएंगे, तो ये 10 जून जाने वाला इनका जो वर्क है वो पहले से प्लान्ड है, और जब पहले से प्री प्लान्ड होता है तो उसको हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए इसको हम चेंज करेंगे इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है द प्राइम मिनिस्टर goes to America on 10th June. अब फ्रेंड्स इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसलिए चेंज किया है बिकॉज ये जो सेंटेंस है इसमें प्लान जो है वो पहले से ही फिक्स किया गया है। फ्रेंड्स अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे।